वेलकम डियर स्टूडेंट टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। माय नेम इज योगिता सतीश सावड़े। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 7th हिस्ट्री लेसन नंबर 4। तो लेसन नंबर 4 में हमने बहुत सारा एग्जांपल्स लिखे थे, जो संत थे ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, उनकी जानकारी ली थी। अब आगे हमें देखना है संत एकनाथ। ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के भक्ति मूवमेंट में ये महान संत माने जाते हैं। एंड हिज कॉम्पोजिशन आर मेनी एंड डाइवर्स। उनके बहुत ऐसे विविध प्रकार के विपुल ऐसे उनका लेखन साहित्य उपलब्ध है। एंड दे इंक्लूड अभंग, गौड़न, भारूड एट्सेट्रा। तो उनके अभंग जो उनके लेखन साहित्य है उसमें बहुत सारे अभंग है, गौड़न है और भारूड है। ही हैज़ स्टेटेड भागवत धर्म इन डिटेल्स एंड इन अ सिंपल मैनर। उन्होंने भागवत धर्म की जो रचना होती है वह बहुत ही सिंपल ऐसे पद्धति में की थी। सविस्तर उन्होंने उनका लेखन वापर किया है। ही हैज़ पोर्ट्रेड पीपल्स लाइफ इन भावार्थ रामायण थ्रू द स्टोरी ऑफ राम। उन्होंने लोक जीवन का चित्र रेखाटा है, जैसे कि भागवत इस संस्कृत ग्रंथ के आधार पर उन्होंने भक्ति विषयक भाग वहाँ पर लिखा है मराठी में। एंड ही एक्सप्लेन इन मराठी। वो सभी उन्होंने मराठी में एक्सप्लेन किया है। द भक्ति पार्ट ऑफ द संस्कृत वर्क भागवत हिज अभंगाज शो द वार्मथ ऑफ डिवोशन। उन्होंने लोगों को अपने अभंग से प्रेरणा दी है और भक्ति का मार्ग दिखाया है। हिज अभंग शो द वार्मथ ऑफ डिवोशन। ही डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू हिज ओन कंडक्ट दैट देयर इज नो नीड टू रिनाउंस वर्ल्डली मैटर्स फॉर अटेनिंग द हाइएस्ट ट्रूथ। उन्होंने लोगों को समझाया है कि परमार्थ प्राप्ति के लिए प्रपंच छोड़ना जरूरी नहीं होता, तो अपने खुद के आचरण से उन्होंने वह दिखा दिया है। एंड लोक शिक्षक थे वो, खरे अर्थ से अगर देखा जाए तो वह लोक शिक्षक थे। एंड अपनी भाषा उन्होंने ऐसा बताया है कि अपनी जो भाषा है वो कौन से भी भाषा से कम नहीं होती। ही वॉज अ टीचर ऑफ पीपल इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। ही बिलीव दैट अवर मराठी लैंग्वेज वॉज इनफेरियर टू नो अदर लैंग्वेज। ही आस्क द संस्कृत स्कॉलर्स फोर्सफुली। वह संस्कृत के जो लोग रहते थे, जो संस्कृत के पंडित रहते थे, उनको उन्होंने ऐसे जोर से बोला था कि संस्कृत वाणी देवी के लिए तरी प्रकृत काय चोरापासुनी झाली। तो ऐसा उन्होंने उन लोगों को जोर से बोला था। एंड ही हेविली क्रिटिसाइज्ड दो हु हेटेड अदर रिलीजन्स। और उन्होंने इतर धर्म का जो लोग तिरस्कार करते हैं उन पर भी बहुत सारी टीका की थी। ऐसे वो संत एकनाथ रहे, उनका कार्य हमने देखा है। अब आगे हमें देखना है संत तुकाराम। ही बिलोंग टू देहू नियर पुणे। पुणे के पास जो देहू नाम का छोटा सा गांव है वहाँ के वो रहने वाले थे। एंड हिज कॉम्पोजिशंस और अभंगज आर वेरी प्लीजिंग एंड ल्यूसिड रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स। तो उनके जो अभंग रचना है बहुत ही प्रसन्न एंड प्रासादिक ऐसे रहती थी और उनके अभंग श्रेष्ठ कवित्व की ऊंचाई तक पहुँचा दिया गया था। एंड हिज ग्रंथ इज अ प्रेशियस ट्रेजर ऑफ द मराठी लैंग्वेज। उनके जो ग्रंथ थे गाथा, तो वह मराठी भाषा का एक अनमोल ऐसा ठेवा माना जाता था। ही सेड गॉड बाय शोइंग लव टू अनहैप्पी एंड द टॉर्मेंटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो लोगों को बताते थे कि जो रंजले गांजले यानी कि जो कि पीड़ित होते हैं ऐसे लोगों में हमें देव देखना चाहिए, गौर देखना चाहिए, ऐसा वो लोगों को बोलते थे। जे का रंजले गांजले तैसे मने जो अपुले तो से साधु ओढ़कावा देव तेते जानावा, ऐसा उनका कहना था।
and with this viewpoint he threw in the river Indrayani the documents of the loans that people had borrowed from him and freed many poor families from the bonds of loan. ऐसे उनका कहना था और उसी दृष्टिकोण से वो लोगों को देखते थे. एंड जो कि लोग पीड़ितों की मदद करते हैं, गरजवंतों को अपना हाथ थमाते हैं गरजवंतों का, ऐसे लोगों को ही वहाँ पर गॉड की यानी कि जो गॉड का दर्शन मिलता है, ऐसा उनका कहना था. एंड उनका ऐसा कहना था इसीलिए उसी दृष्टिकोण से वह अपना खुद का ही वर्तन रखा करते थे. उन्होंने अपने पास जो कर्ज की जो कागज़ पत्र थी बहुत सारे लोगों की, उन्होंने इंद्रायणी नदी के डोहों में वो डुबा दी थी. एंड बहुत सारे कुटुंबों को उन्होंने अपने कर्ज से मुक्त मिलाई थी, मुक्ति दी थी. एंड ही क्रिटिसाइज द हाइपोक्रेसी एंड सुपरस्टिशन इन द सोसाइटी इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स. और उन्होंने समाज में जो दाम्भिकता और अंधश्रद्धा होती है उसे बहुत ही जोर से वहाँ पर उन शब्दों में वहाँ पर उन्होंने टीका की थी. एंड ही स्ट्रेस दैट डिवोशन शुड बी कपल, उन्होंने भक्ति के साथ वहाँ पर नीति को भी जोड़ा गया था. एंड कपल विथ मॉरलिटी एंड हीज टीचिंग कैन बी समन अप एज, उनकी जो टीचिंग थी उनकी जो शिकवन थी लोगों को यो की जोड़ो नहीं या धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी, ऐसा उनका कहना था. एंड सम डॉगमेटिक पीपल अपोज द सोशल अवेकिंग दैट ही हैड अंडरटेकन एंड सैंक हीज अभंगज, बल्कि जो कि लोग थे कि उनके कहने के यानी कि वो जो बता रहे थे उसके विरोध में थे, कर्मठ जो लोग थे समाज में, ऐसे लोगों को जागृति करने लोगों की जो जागृति थी ऐसे विरोध करते थे जो लोग जागृति के लिए, उन लोगों पर भी उन्होंने बहुत सारे अभंग की रचना बनाई है. एंड सैंक हिज अभंगा इन द इंद्रायणी एंड संत तुकाराम फेस द अपोजिशन विथ नोबेल करेज. तो ऐसे जो लोग हैं उन पर जो अभंग रचने का उन अधिकारी नहीं, ऐसा उनका कहना था. और इसीलिए उन लोगों ने बहुत सारे कर्मठ लोगों ने संत तुकाराम महाराज के जो अभंग गाथा थी वह इंद्रायणी नदी के डोहों में डुबा दी थी. एंड इस सभी विरोध को धीरोदत्तपने उन्होंने ऐसे सामोरे गए थे. एंड सम संत तुकाराम डिसिपल्स एंड एसोसिएट्स वेयर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स, उनके बहुत सारे शिष्य थे जैसे कि बहुत सारे सहकारी थे वो विविध जाति धर्म के विविध प्रदेश से आए हुए थे. एंड दे इंक्लूड नावजी माली नंद और गवर्नर शेटवानी, संताजी जगनाड़े, शिवबा कासार, बहनाबाई शिवरकर, महाजी पंत कुलकर्णी, ये कुछ नाम उनमें से यहाँ पर दिए गए हैं. एन इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीटेड बाय गंगाधर पंत मवाड़ एंड संताजी जगनाड़े वाज राइटिंग डाउन द अभंगाज ऑफ संत तुकाराम. तो संत तुकाराम के जो अभंग थे जो कि उन्होंने अभंग गाथा कुछ लोगों ने इंद्रायणी के नदी के डोह में डुबा दी थी, वह अभंग उन्होंने फिर से लिखने का कार्य वहाँ पर किया था. गंगाराम पंत मवाड़ और संताजी जगनाड़े उन्होंने तुकाराम जी के जो अभंग थे संत तुकाराम के वो फिर से लिखने का कामगिरी वहाँ पर की थी. वर्क ऑफ संत, तो ये जो सभी संत हमने देखे तो उनका कार्य क्या था, तो संत कार्य की फलश्रुति यानी उन्हें उनका फल क्या मिला था यह हमें यहाँ पर देखना है. संत गेव द मैसेज ऑफ इक्वेलिटी टू पीपल, संत हमेशा लोगों को एकता का समता का संदेश देते हैं. एंड दे टॉट ह्यूमैनिटी और लोगों को मानवता धर्म वो सिखाते हैं. एंड दे प्रीच दैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन हारमोनी यूनिटी एंड लव, और लोगों को समझाते हैं कि सभी को एक जगह पर एकजुटी से रहना चाहिए एंड एक दूसरे पर हमेशा प्रेम करना चाहिए. एंड देयर वर्क रिजल्टेड इन सोशल अवेकिंग एंड दे टॉट हाउ टू लिव इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेंशंस, तो वो लोगों को समझाते थे कि पड़चक्र या दुष्कालजन्य जो परिस्थिति है ऐसे अलग अलग परिस्थिति में हम अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम सभी संकटों से अपना सामना कर सकेंगे. निसर्ग संकट वगैरह आलिया
आते हैं तो भी हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। एंड देयर टीचिंग प्रूव टू बी अ बिग सपोर्ट फॉर पीपल। और उनकी जो टीचिंग थी वह लोगों का बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहती थी, लोगों को आधार देती थी। एंड देयर वर्क क्रिएटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल। और उनका जो कार्य था वो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाता था, महाराष्ट्र के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाता था। एंड देयर वॉज अ डिटोरिएशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन इन द सोसाइटी। एंड इसी वजह से समाज में हमेशा शांतता रखी जाती थी। समाज की जो अवनति हुई थी उसमें संतों ने बहुत सारा कार्य वहाँ पर किया था उन्हें उन्नति करने का। एट सच अ टाइम द संत केम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। एंड उसी समय संतों ने वहाँ पर कार्य किया था समाज को वहाँ पर प्रोटेक्ट करने का, उसका संरक्षण करने का। एंड दे टॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन। और उन्होंने लोगों को धर्म का सच्चा अर्थ वहाँ पर बताया था। एंड दे शोड द पाथ ऑफ डिवोशन बाय लिविंग अमॉन्ग्स पीपल एंड शेयरिंग देयर जॉयज एंड सॉरो। तो वो लोगों को कहते थे कि आपने एक दूसरे के साथ अपना जॉय यानी अपना आनंद हो या अपना दुख हो एक दूसरे के साथ हमें शेयर करना चाहिए। एंड सम ऑर्थोडॉक्स एंड डॉगमेटिक पीपल अपोज देम। लेकिन कुछ ऐसे कर्मठ जो लोग थे उनके विरुद्ध में रहते थे। एंड बट द संत बिलीव दैट फेसिंग दिस अपोजिशन वॉज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। लेकिन वो अपना कार्य अपना जो कर्तव्य समझ कर वहाँ पर करते थे और ऐसे लोगों के सामोरे जाते थे। एंड संत तुकाराम हैज़ एक्सप्लेन द मार्क ऑफ द ट्रू संत इन दिस वर्ल्ड। और ऐसे ही संत तुकाराम यह एक वहाँ पर उन्होंने अच्छे संत का वहाँ पर लक्षण बताया, कुछ लाइन दिए यहाँ पर। तुक्का मने तो उच्च संत सोचे जगह च आघात। यानी कि लोगों के जो आघात सोचता है वही अच्छा सच्चा संत होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। एंड द संत इलुसिएटेड द कॉम्प्लेक्स धर्मा ऑफ द स्कॉलर। तो शास्त्र पंडित जो रहते हैं उनके अवगण भाषा में धर्म जो होता है उन्हें संत ने सर्व सामान्य भाषा में उन्हें लाया था। एंड इन दिस लैंग्वेज ऑफ पीपल, पीपल के सामान्य लैंग्वेज में उन्होंने उसका वर्णन किया था। एंड दे डॉट सोसाइटी एवरीडे टर्म्स दे टूक द व्यू दैट ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड। दे टॉट सोसाइटी टू डू अवे विद द प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट एंड वर्ण एंड सी एवरी वन एज गॉड्स चिल्ड्रन। उन्होंने लोगों को समझाया था कि जाति धर्म या कुछ ऊंच नीच के वजह से लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, यानी कि हम सब क्या है, गॉड के चिल्ड्रंस है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द संत वॉज दैट दे डिड नॉट फॉरगेट देयर ड्यूटीज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसा वैशिष्ट्य ऐसा माना जाता है कि वो कभी भी लोगों में भेदभाव नहीं करते थे और अपना कार्य जो है भक्ति का वो कभी भी नहीं छोड़ते थे, अपना कर्तव्य कभी छोड़ते नहीं थे। एंड दे फाउंड गॉड इन देयर वर्क। संत सावता सेड कांदा मूड़ा भाजी अवगी मिठाई माजी। अपने कार्य में ही वो गॉड को ढूंढते थे। एंड दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू फार्म वर्क बट इट अप्लाइज टू वर्क इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। तो ये जो आपने दिया यहाँ पर ये स्टेटमेंट, उससे हमें ये पता चलता है कि अपना कार्य जो है वो मन लगा कर करना चाहिए, उसमें हमें गॉड की दर्शन होता है गॉड का। एंड द संत कैरिड ऑन विथ देयर ड्यूटीज इवन एज दे वेयर एंगेज इन डिवोशन टीचिंग। संत हमेशा अपना कार्य मन लगा कर करते थे, जो कि वो कंपोजिंग वर्सेज यानी वो कुछ भी करते थे, भक्ति उपदेश जो करते थे, कवित्व करते रहते थे। एंड दे डेवलप द मॉरल सेंसिबिलिटीज ऑफ द सोसाइटी। और समाज को उन्होंने नैतिक ऐसे जो जानकारी दी थी वो विकसित की गई थी। उन्होंने लोगों को समझाया था नैतिक जवाबदारी क्या होती है, वो उन्होंने लोगों को समझाया था। लेट्स डिस्कस, यहाँ पर दिया है कुछ हमें डिस्कस करने के लिए। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पंडरपुर वारी। पंडरपुर वारी जो रहती है उसके बारे में जानकारी लेनी है। एंड डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन विच मंथ डू वी वारकरी गो ऑन द वारी। तो कौन कौन से मंथ में वारकरी जाते हैं वारी करने के लिए, तो आपको पता ही होगा कि आषाढ़ी कार्तिकी में जो एकादशी आती है तब वो लोग वहाँ पर जाते हैं। एंड हाउ इज़ द वारी प्लान, एंड वारी का प्लान कैसे किया जाता है। तो सब लोग एक जगह पर एकत्रित होकर वहाँ पर वो पैदल जाते हैं।
रामदास स्वामी के बारे में जानकारी लेनी है अभी हमें। ही वॉज फ्रॉम जम्ब मराठवाड़ा, मराठवाड़ा में जाम जो गांव है वहाँ से वो आए थे। एंड ही एक्सप्लेन द, और उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की थी लोगों को, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस टू द पीपल। उन्होंने लोगों को फिजिकल फिटनेस के बारे में जानकारी दी कि बलोपासना क्या होती है, उसका महत्व उन्होंने लोगों को समझाया था। मराठा तितुका मेड़वावा, महाराष्ट्र धर्म वाड़वावा, ऐसा उनका कहना था। यह उनका संदेश बहुत ही प्रसिद्ध है। एंड दिस मैसेज ऑफ रामदास स्वामी इज फेमस। एंड ही गेव प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड लेसन इन गुड कंडक्ट थ्रू हिज वर्क्स लाइक दासबोध, करुणाष्टक, मनाचे श्लोक, ऐसे उनके जो ग्रंथ है उन्होंने वहाँ से लोगों को बहुत सारे यहाँ पर व्यावहारिक शिक्षण जो रहता है उसके समझ लोगों को दी है। एंड लेसन इन गुड कंडक्ट थ्रू हिज वर्क्स लाइक दासबोध, करुणाष्टक, मनाचे श्लोक, ऐसा। ही स्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेड द समर्थ संप्रदाय। उन्होंने लोगों को लोक चळवळ जो रहती है, लोक संगठन जो रहते हैं, उनका महत्व समझाया था। एंड समर्थ संप्रदाय जो है उनकी स्थापना की थी। चाफळ, ये जो है चाफळ वॉज द सेंटर ऑफ दिस संप्रदाय, और चाफळ जो है उन संप्रदाय का एक केंद्र माना जाता है। ही प्रोपोगेटेड द वर्शिप ऑफ रामा एंड हनुमाना, उन्होंने हनुमान और राम के जो उपासना है उसका प्रसार वहाँ पर किया था। एंड ही ट्रैवल फार एंड वाइड टू प्रोपोगेट हिज थाट्स, और उन्होंने अपने विचारों के प्रसारार्थ बहुत सारे प्रवास वहाँ पर किया था। इंस्पायरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल, तो परतंत्र जो रहता है उसमें स्वातंत्र से प्रेरणा किस तरह से मिली थी, परतंत्र में स्वातंत्र की प्रेरणा किस तरह से मिली थी वो हमें देखना है। सच वॉज द पॉलिटिकल सोशल कल्चरल सिचुएशन एट्सेट्रा, बहुत सारे यहाँ पर महाराष्ट्र में राजकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत ऐसी जो परिस्थिति है शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र में, उसमें इन महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, इन दैट टाइम महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिलशाही एंड पावर्स अदर पावर्स। तो उस समय जो हमारा महाराष्ट्र था वह आदिलशाही के पावर में था एंड कुछ अदर पावर्स भी यहाँ पर शामिल थे। एंड इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, लेकिन हमारा जो महाराष्ट्र है वो स्वतंत्र नहीं था। इवन सो सम पर्सनैलिटीज एंड स्ट्रीम्स ऑफ थाट वे आर ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम, और कुछ लोग थे कि ऐसे होते भी कुछ लोग ऐसे थे कि उनकी ऐसी विचारधारा थी कि वो स्वतंत्र के सपने वहाँ पर देखा करते थे, हमारा महाराष्ट्र स्वतंत्र होने के सपने वो वहाँ पर देखा करते थे। एंड अमंग देम शाहजी महाराज हु इज कंसिडर्ड टू बी अ विजनरी ऑफ स्वराज वाज ऑन द फोरफ्रंट, और ऐसे सपने देखने वालों में जो शाहजी राजे थे उनका स्थान जो है वह अग्र माना जाता था। उनके जो बहुत सारे संकल्पनाएं उन्होंने अपने मन में ठानी थी कि जैसे कि स्वराज, हमारा जो स्वतंत्र ऐसा जो स्वराज्य राज्य है उसकी उन्होंने निर्माण करने की संकल्पना मन में ठानी थी। और जो स्वराज्य की जो स्थापना है वो हम अगले लेसन में देखने वाले हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।